2015 में सलमान खान की मूवी बजरंगी भाईजान आई, जिसमें इंडिया को नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव और डिस्क्रिमिनेटिंग दिखाया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ओपन माइंडेड और नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग दिखाया गया। उस मूवी को देखने के बाद आईएम अहमदाबाद के एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च टीम तैयार की। उस रिसर्च टीम ने 1950s से लेकर 2010s तक के बॉलीवुड मूवीज का एनालिसिस किया। उस एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स ये हैं। 74% ऑफ दोज फिल्म्स प्रेजेंटेड द सिख कम्युनिटी एज लाफेबल। 58% ऑफ द करप्ट पॉलिटिशियंस हैड अ हिंदू ब्राह्मण लास्ट नेम। 62% ऑफ करप्ट बिजनेसमैन हैड अ वैश्य लास्ट नेम। चलो ठीक है, सारे ही कम्युनिटीज को बुरे लाइट में दिखाया, लेकिन नहीं, द हिपोक्रिटिकल थिंग इज दैट 84% ऑफ मुस्लिम्स इन द फिल्म्स वर शोन एज स्ट्रॉन्गली रिलीजियस एंड ऑनेस्ट। और अगर किसी को क्रिमिनल दिखाया भी गया तो ये दिखाया गया कि भाई दिल का सबसे अच्छा है। फिर उस रिसर्च टीम ने ऐसे 20 बॉलीवुड फिल्म्स को एनालाइज किया जो पाकिस्तान में बेस्ड थे, यानी मूवी की सेटिंग पाकिस्तान में थी। इन 18 ऑफ दोस 20 फिल्म्स पाकिस्तान वाज प्रोजेक्टेड एज ओपन माइंडेड, वेलकमिंग एंड करेजियस। चलो ठीक है, किया, लेकिन उन्हीं मूवीज में इंडियंस को नैरो माइंडेड, अनवेलकमिंग और कंजर्वेटिव दिखाया गया। ये वही बॉलीवुड है जिसमें गुंडे, मवाली और अंडरवर्ल्ड के लोगों को तिलक लगाए हुए दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मास मर्डरर्स और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई और ग्लैमराइज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि क्या यार, मूवीज आर फॉर एंटरटेनमेंट, ज्यादा मत सोचो। जी नहीं, फिर उसी रिसर्च टीम ने स्कूल्स में एक सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे से ये पता चला कि 94% बच्चे ये मानते हैं कि बॉलीवुड की स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑथेंटिक है। उसी रिसर्च ने यह भी बोला कि रीसेंट डेकेड्स में हिंदूस को स्टीरियोटाइप करना और भी ज्यादा बढ़ गया है। अभी रिसेंटली बॉलीवुड में एक टर्म को बहुत ही एफिशिएंसी से मार्केट किया जा रहा है, हिंदू टेरर। अनुराग कश्यप, जिसने सेक्रेड गेम्स में हिंदूस की धज्जियां उड़ाई हैं, उसने इस टर्म को ट्वीट भी किया था इन अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ हिज हिंदू फोबिया। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा के प्रोड्यूस्ड शो क्वांटिको में अमेरिका में एक टेरर अटैक के पीछे रुद्राक्ष पहनने वाले हिंदू को दिखाया गया। क्वांटिको वाज अ शो स्पेशली मेड फॉर प्रियंका चोपड़ा एंड प्रोड्यूस्ड बाय हर, सो प्लीज, इट वाज इन हर कंट्रोल टू से यस और नो टू दैट स्क्रिप्ट। प्रियंका डिफेम्ड द वेरी कंट्री दैट गेव हर ऑल द लव एंड मेड हर फेमस। अनफॉर्चुनेटली इवन शी टर्न्ड आउट टू बी हिंदू फोबिक। मैं इन सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटी से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। Name one terror attack that has been carried out by people of the Hindu community across the globe. Sab jante hain ki Indian community pure globe mein phaili hai aur inme se majority Hindus hi hain. To inse kisi desh ko problem kyun nahi hui? Kya Paris attacks Hindus ne karwaye the? Europe mein rapes aur mass shootings Hindus kar rahe hain? Kis hak se Anurag Kashyap ye bol raha hai ki Hindu terror is increasing? किस हक से प्रियंका चोपड़ा एक पूरे कम्युनिटी को दोष दे रही है अपने शो में? इनफैक्ट व्हेन अफगानिस्तान वाज डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेजन्स, इट वाज इंडिया, अ हिंदू मेजॉरिटी नेशन, हु बिल्ट अ पार्लियामेंट फॉर अफगानिस्तान। एंड माइंड यू, अफगानिस्तान इज अ कंट्री विद 99.7% मुस्लिम्स, सो प्लीज डोंट से इंडिया इज इस्लामोफोबिक। हिंदूज आर जस्ट अगेंस्ट फोर्सफुल कन्वर्जन, लव जिहाद एंड टेरर, which are not depicted in so-called shitty Bollywood films. You just cannot keep targeting one innocent community just because it is tolerant and stays silent. Yes, rape is horrific, and the recent Kathua case is being investigated. Lekin in Bollywood actresses ko dekho, jo placards lekar khade the aur deliberately Hindustan aur Devistan ko use kar rahe the, blatantly attacking an entire community for one horrific crime. अब कौन ला रहा है रिलीजन बीच में? रियलिटी में हर चीज में रिलीजन लाने वाले लोग ये कूल इंटेलेक्चुअल्स ही हैं। In 2018 itself, Geeta, who was a 10-year-old girl, was gang raped by Muslims in Ghaziabad. Why didn't the very same celebrities stand up with placards? Geeta लड़की नहीं है, इंसान नहीं है, कहां गई तुम्हारी इंसानियत?
ये सिर्फ यही दिखाता है कि ये लोग हिंदू फोबिक हैं और इंडिया से नफरत करते हैं। इट इज स्ट्रेंज कि इनमें से एक का बाप ये है, एक नवाब साहब से मैरिड है और एक है स्वराब भास्कर, द बिगेस्ट हिपोक्रेट ऑफ ऑल। इसकी एक फेक फेमिनिस्ट मूवी आई थी वीरे दी वेडिंग। वीरे दी वेडिंग हैड अ सीन वेयर हिंदू फोबिक स्वराब भास्कर वॉज मास्टरबेटिंग। गौर करने वाली बात यह है कि जिस हिंदुस्तान को ये गाली देते हैं, कंजर्वेटिव और इंटॉलरेंट बोलते हैं, उसी हिंदुस्तान में ये मूवी रिलीज भी हुई, लोग देखने भी गए और मूवी सुपर हिट भी हुई। वेलकमिंग और टॉलरेंट पाकिस्तान में इस मूवी को बैन कर दिया गया। दिस इज व्हाट स्वरा भास्कर सेड व्हेन शी विजिटेड पाकिस्तान। लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है, और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस, सब फेल है लाहौर के सामने। एंड दिस इज व्हाट शी सेड आफ्टर द मूवी गॉट बैन्ड इन पाकिस्तान। What do you expect? What state is run by Sharia laws? They're an unsecular state. Like, are you really, were you thinking that? I'm not surprised at all. And why should we hold up Pakistan, which is like a failing state, as, I mean, I don't understand why we keep taking pleasure and feeling a sense of self-worth from all the silly things that happen in Pakistan. तो हम गए और मैंने जनाब वर्ड सीख लिया, क्योंकि हम इंडिया में भैया भैया करते हैं, लेकिन मैंने सोचा यहाँ थोड़ी अपनी सलीके से रहना चाहिए। तो हम गए और कहा जनाब वो हम थोड़ा रास्ता नहीं समझ आ रहा, तो डिफेंस जाना था, कौन सी बस मिलेगी? To show you Pakistanis have a way worse vocabulary than we do. I know. यार इस बॉलीवुड की आदत बन चुकी है हिंदूज को डिफेम करने की और उनको मॉक करने की। ये देखो कैसे करण जौहर और उसके कुछ फेक एक्सेंट वाले दोस्त कितने इनसेंसिटिवली साउथ इंडियन लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहे हैं। और इसी करण जौहर से जब एक रैंडम इंसान ने ये पूछा आर यू अ होमो, उस पर करण जौहर ने ये बोला, but sometimes you just wonder whether people just don't have the sensitivity or the decency or to sometimes use language to ask a question that may not come across inappropriate. Where was your sensitivity and decency when you, along with your bunch of cool, smart-ass stand-up comedians, mocked and made derogatory remarks in that infamous roast? Yehi cool aur smart-ass young actors, directors aur stand-up comedians Hindus, soldiers aur khud ke desh par derogatory remarks karte hain और बोलते हैं यार ऑफेंड मत हो। Why this hypocrisy? अगर कोई मूवी इंडिया को अच्छे लाइट में दिखाती भी है तो उसे मीडिया हाउसेस और सो कॉल्ड रिव्यूअर्स रूथलेसली अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल परमानु, विच रिलीज्ड ऑन 25th मई, वॉज एन अमेजिंग थ्रिलिंग मूवी विच एंडेड विद अ हाई नोट ऑफ इंडिया सक्सेसफुली बिकमिंग अ न्यूक्लियर स्टेट। बट दिस इज वॉट अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट मीडिया हाउसेस हैड टू से अबाउट द मूवी, a nationalist drama that ends like a horror film. India successfully becoming a nuclear state is horror for you. Are you kidding me? Log is blatant anti-India sentiment ko tolerate kar rahe hain. They are being allowed to say such things. Aur phir bhi ye chillate rehte hain India is intolerant. Bhai, India intolerant hoti to koi ye bhi nahi bol sakta tha ki India intolerant hai. Abhi haal hi mein Ravan ke director ki ek movie aa rahi hai, Mulk. Starring none other than होगा बात की तो दाऊद साहब का फोन था, उन्होंने मुझे फोन किया, तो दाऊद साहब का फोन था, उन्होंने मुझे फोन किया। उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तापसी पन्नू ने ये कहा, डिस्टर्बिंग है इसलिए मैं बताती हूँ क्यों मैं इसका आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो एक अपनी लाइफ से बताना चाहूंगी, माय मैनेजर इज अ मुस्लिम, माय ड्राइवर इज अ मुस्लिम, माय हाउस हेल्प इज अ मुस्लिम। अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी दिन रात, क्योंकि माय लाइफ इज रन बाय देम। सो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड। सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है, तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज। इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन था मेरा फिल्म करने का,
कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना. सो इतना डिस्टर्बिंग था मेरे लिए. लेकिन तापसी के लिए ये तब डिस्टर्बिंग बिल्कुल भी नहीं था जब हिंदू टेरर को मार्केट किया गया, हिंदुस्तान को रेप से एसोसिएट किया गया. वही हिंदुस्तान जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है और जो तापसी के फिल्म्स को देखती है और पैसा और प्यार देती है. और तो और फिल्म के डायरेक्टर ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही डम्ब, इग्नोरेंट और बायस बात बोली. एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट टू से इज, सो ये 92 93 हो गया, फिर ये सिलसिला खत्म हो गया. 93 में बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, वो उसका पूरा केस जो चला वो चला, आप देख ही रहे हैं. 2002 तक एक बड़ा कांड हुआ गुजरात में जिसके बाद शांति हो गई थी. हिंदू मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया था भाई जिंदगी इज वे टफर देन दिस कॉन्फ्लिक्ट, सो दे स्टार्टेड डीलिंग विद लाइफ. बट पास्ट फ्यू इयर्स इट हैज चेंज्ड अगेन, इट इज टेकन अ न्यू फॉर्म. मतलब 2002 में एक बड़ा कांड हुआ और उसके बाद सब पीसफुल था, और अब अचानक से पिछले 4 सालों में हिंदू टेरर ने देश को हिला कर रख दिया. तो शायद डायरेक्टर साहब 2008 में रावण की डिजास्टर स्क्रिप्ट लिखने में बिजी थे, क्योंकि 2008 में 26/11 अटैक्स हुए थे जिसने इंडिया को ही नहीं पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया था. उसका क्या डायरेक्टर साहब, जब अटैक्स हुए थे तो हमारी पुलिस और आर्मी वालों ने ही सिविलियंस की जान बचाई थी, टेररिस्ट्स को पकड़ा था, शहीद भी हुए थे. उस वक्त तो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने AK-56 जैसे मास डिस्ट्रक्टिव वेपन से देश को नहीं बचाया. सिविलियंस को बचाने ये सेलिब्रिटीज क्यों नहीं आए, अपने बिल में घुसकर क्यों छिपे थे? ओ हाँ, आजकल तो सियाचिन के जवानों का मजाक उड़ाना बहुत कूल बन चुका है ना, क्यों आएंगे लोग, क्यों आएंगे ये कूल हिंदू फोबिक सेलिब्रिटीज लोगों को बचाने? वेयर इज द फेक फेमिनिस्ट स्वरा भास्कर नाउ व्हेन द हिंदू कम्युनिटी इज बीइंग लेबल्ड एज हिंदू टेरर? इनके बारे में विवेक अग्निहोत्री ने ये बात काफी सही बोली. तो आप अगर अर्बन नक्सल्स की लीडर हैं तो आपको एक जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, भले हिंदुस्तान के टुकड़े करने की हो, पर आपकी आइडियोलॉजी तो है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें. और ये इसलिए मैं इनको फेक फेमिनिस्ट बोलता हूं क्योंकि ये लोग लोगों को प्रवोक करने का काम करती हैं सिर्फ सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए. अगर इन्हें वाकई वुमेन एम्पावरमेंट की चिंता हो तो कोई लिख ही नहीं सकता, हिंदुस्तानी व्यक्ति तो लिख ही नहीं सकता, मैं गारंटी कर सकता. और रही बात की यार ये बॉलीवुड आखिर क्यों हिंदूफोबिक है, इसका रूट कॉज क्या है, आखिर क्या बिगाड़ा है भारत ने इनका, तो इस पर राजीव मल्होत्रा who is working hard to expose the breaking India forces and uncovering Hindu phobia in our education system, उन्होंने बहुत ही सटीक आंसर दिया. Why is the Indian left so against Hinduism? उनका क्या motive है? If you can answer that, it's the same kind of people. Why is the Indian left so anti-Hindu? Partly it's ideological. The Charvaks were not with bad motive. They were convinced of some point of view. I mean, not everybody is born in a certain way and has the grace to understand things the way we understand it. So some of it is ideologically they're convinced of something. No, because this education is not intellectual level conviction. Aap argue kare unke saath wo behas karte jayenge. There is an ego in the way. That transformation is an adhyatmic transformation. It is not done very easily by logic, because logic will resist karenge, fight karte jayenge. So, some of it is like that. Some of it is that it's fashionable. Their point of view has become very fashionable. This, in the media it is very fashionable. Also, they feel that our point of view represents backwardness. Old, primitive kind of stuff. And so, there are a lot of factors that have come into play. It has become a very ordinary, normal way of thinking to bash the Vedic system. अब टाइम आ गया है कि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, स्टैंड अप कॉमेडियंस और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हिंदूज, सोल्जर्स और इंडिया को इंसल्ट करते आ रहे हैं सुधर जाएं। एक तो ये अपने मूवी और अनफनी वनबी अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उससे करोड़ों कमाते हैं और पब्लिक पागलों की तरह इन्हें भगवान मानती है. इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड यंग माइंड्स आर वेरी इंप्रेशनेबल. Let's fight against this Hindu phobia and boycott these elements from the society who are doing nothing but spreading misinformation, mistruth, causing mass hysteria and misguiding the Indian youth. If you love this video and found it sensible, share it with as many people as you can
to spread awareness about this issue. And subscribe to FMF for more such content ahead.